पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वनाच्छादित क्षेत्र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि भारत में कितने प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, यानी 21.67%। आपको बता दें दोस्तों कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का जो वनाच्छादित क्षेत्र है 21.67% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश। आपको बता दें दोस्तों कि 2019 के अनुसार सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में है, तो कितना है, 77,482 वर्ग किमी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो भारत में शंकुधारी वन होते हैं उनमें से कहाँ पर पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमालय में। आपको बता दें कि भारत में शंकुधारी वन हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं और ये वन ऊंचाई पर ही अधिकतर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन होता है वह कहाँ पर पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिमी घाट में। आपको बता दें कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार तीन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कौन कौन से, तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में, और उत्तर पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों के लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में चंदन की जो लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक। बता दें कि भारत में चंदन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ। आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इसके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट पर, और अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह पर, और पश्चिम बंगाल तथा असम में लगभग 1200 मीटर ऊंचाई तक के क्षेत्र पर, और नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सामुद्रिक। आपको बता दें दोस्तों कि सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैंग्रोव वन मैंग्रोव किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैंग्रोव इनमें से किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। बता दें दोस्तों कि लवण कच्छ क्षेत्र की वनस्पति को मैंग्रोव वन कहा जाता है और यह वन पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं और सुंदर वन मैंग्रोव वनों का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है जो मैंग्रोव जंगल होते हैं उनके विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें दोस्तों कि मैंग्रोव जंगलों के लिए आवश्यक नहीं है, और जबकि मैंग्रोव जंगलों में उगने वाले सुंदरी वृक्षों से ईंधन, काष्ठ तथा कागज उद्योग हेतु पल्प प्राप्त किया जाता है और यह जंगल मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। आपको बताना है कि जो टीक और साल होते हैं उस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे क्या जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में। बता दें कि उष्णकटिबंधीय
आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागौन, टीक, शीशम, चंदन आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किन वनों में पाए जाते हैं? आपको बताना है कि ये जो जानवर हैं वह किन वनों में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्णपाती वन। बता दें दोस्तों कि जो सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर है वो पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, और इन वनों में इनके लिए उपयुक्त परिस्थितियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? आपको बताना है जो टीक होता है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर पैदा होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य भारत में। आपको बता दें टीक व सॉल उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के पौधे हैं, और ये वृक्ष मध्य भारत में अधिकतर मात्रा में पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शांत घाटी में। आपको बता दें कि शांत घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, और यह भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश। आपको बता दें दोस्तों कि 20वीं पशु जनगणना के अनुसार वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशु हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संरक्षण की परिभाषा क्या है? आपको बताना है जो संरक्षण होता है उसकी परिभाषा क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बता दें कि जो संरक्षण का तात्पर्य है यानी जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7वां हिस्सा वनाच्छादित है। आपको बता दें कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल 7,12,249 वर्ग किमी क्षेत्रफल वनाच्छादित है, और यह वनाच्छादित क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.67% है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5वां हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है जो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर होता है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देहरादून में। बता दें कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय देहरादून में है, और देहरादून में ही भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय भी है, और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 70%। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण 1920 के अनुसार अधिकतम 70% ग्रामीण जनता अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहती है, और राष्ट्रीय आय 2019-20 में इसका योगदान 16.5% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, झूम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो झूम है वह इनमें से क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषि का एक तरीका। बता दें कि झूम खेती का एक तरीका है जिसे असिंचित पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में, यहाँ सॉरी गलत हो गया, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चावल। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में उत्पादित खाद्य फसलों में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाने वाला खाद्यान्न चावल है, और कुल कृषि भूमि के लगभग 1/4 भू भाग पर चावल की कृषि की जाती है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब आपको बताना है कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय सेकेंड। बता दें कि कृषि एवं खाद्यान्न के वैश्विक स्तर पर आंकड़ों के संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण हेतु नियामक संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन है और इसके द्वारा जारी किए गए वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेमी औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम होता है और 150 सेमी औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी चावल की। बता दें कि चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए 23 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के औसत तापमान पर 150 सेमी की वार्षिक वर्षा एवं गहरी उपजाऊ चीका या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में धान्य फसलें उगाई जाती हैं कुल कृषि भूमि के, आपको बताना है कि जो धान्य फसलें होती हैं भारत में कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत में उगाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 60% भाग में। बता दें कि धान्य फसलें संपूर्ण भारतीय कृषि क्षेत्र में लगभग 64.88% भाग को अधिकृत किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से बेमेल फसल की पहचान कीजिए। आपको इनमें से बेमेल फसल की पहचान करना है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी धान। आपको बता दें दोस्तों कि सभी जो कि खरीफ की फसलें हैं और धान की फसल रागी ज्वार बाजरा से अलग है, क्योंकि धान की नर्सरी तैयार कर रोपाई की जाती है जबकि बाकी फसलें बीज से सीधे तैयार की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है? आपको बताना है इनमें से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी धान की। बता दें कि धान की खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा ही होती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।